सो फाइनली हम लोग जो मैंने सुबह बताया था तो वो जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्न सर्वे फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज करीबन 8 महीने के बाद मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की है कि आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं हो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस नहीं आ रहे, तो आज उसका आपको आंसर मिलेगा कि हम लोग पिछले 8 महीने से कहाँ पे थे। और आज रात को मैं लगभग 3 बजे ये वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। सो पिछले 8 महीने से और आज रात को 3 बजे मैं वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको ब्लॉग के एंड में मिलेगा या कुछ टाइम के बाद मिलेगा। हम जिसके लिए लगातार 8 महीने से या फिर साल एक साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, वो दिन नज़दीक आ चुका है। यानी कि हमने हमारा जो बताऊंगा नहीं, सो आप लगे रहना वीडियो में। ऐसा क्या था कि पिछले 8 महीने से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, लेट्स सी। अभी ब्लॉग शूट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मेरा बैग ऑलरेडी पैक हो चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ सामान भी मैं कैरी कर रहा हूँ। वीडियो के चलते मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, दैट्स द एक्टिवेटेड कार्बन, और कुछ टेस्टिंग किट्स भी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊँगा ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे यू कैन सी हियर, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हमारा चाय का फ्लास्क लिया है, 2 लीटर का फ्लास्क है। फाइनली मैं बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूँ। बैग्स वगैरह, लैपटॉप के बैग्स है, और एक चीज़ जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, चदरी, क्योंकि बारिश का टाइम आ चुका है। कुछ लोग जुड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर से गायब हो जाते हैं। तो हमारे जर्नी में हमेशा के एक पर्सन दिखते हैं, क्या वो अभी हमारे साथ है, तो देखते हैं। अभी अकेला ही मैं हूँ, थोड़ी देर के बाद एक पर्सन मेरे को मिलने वाले हैं, गेस करो कि वो कौन है। सो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं अभी। पहचान रहे हो आप लोग? नहीं पहचान रहे, ठीक है। सो पिछले आधा घंटे से आदमी रुका पड़ा है, बहुत सारा सामान लेके, लेट्स सी। मुझे कहा कि दिखा दो मैं आपको, गाड़ी को मैंने रुका दिया यहाँ पे, गाड़ी को बंद कर देता हूँ। भारत के जोर की हवा चल रही है, कोई तूफान है जॉय वाला, उसकी वजह से पूरा मुंबई में और स्पेशली विरार में। सो फाइनली आप दत्ता सर को मिल गए। सो अभी ये सारा सामान दत्ता सर का, और ये हम लोग सिलेंडर का बाटला भी लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं। भरा हुआ है कि हल्का है पता नहीं, ट्राई कर लेता मैं। अरे तो हल्का है, तो ये मैं अभी यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ अभी हम लोग पनवेल में हैं, हम देख सकते हो सीएनजी के लिए लाइन है। सुबह सुबह होती नहीं है जनरली, लेकिन अभी आज लाइन है, लेट्स सी। गाड़ी चढ़ा के लेना होगा मुझे। सो फाइनली हमने सीएनजी भर के हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ऑन दी वे है। दत्ता सर बीच में शो रहे थे, इसके वजह से ब्लॉग शूट करने के लिए मिला नहीं। अब बाहर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बारिश है, और साथ ही साथ दत्ता सर ने एक अच्छे से नींद भी ली हुई है, अभी उठ के मेरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दत्ता सर। मिलते हैं फिर जिस जगह पर हम लोग जा रहे हो, उस जगह पर मिलते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो देख सकते हो हम लोग अभी पहुंचे हैं, और आगे देखते हैं अभी क्या एग्जैक्टली है और कैसे क्या है, तो समझते हैं थोड़ा। सो फाइनली हम लोग रीच हुए, अभी टाइमिंग हो रहा है 11:30 बजे, रात को 2:30 बजे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बीच में थोड़ा रुके थे, पीछे देख सकते हो उमेश सर है, ऑलरेडी मेरे क्लाइंट है, ही इज़ फ्रॉम यूपी, राइट। सो क्लाइंट मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी हाफ चड्डी के अंदर, और ये क्या एग्जैक्टली है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, आई लेट यू नो।
आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन नज़ारा है मेरे सामने। अपने रोड में भी व्यूज़ देखे, स्नैप ज़्यादा लेने के लिए मिला नहीं बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करने के टाइम मेरे को सब कुछ दिखाना नहीं था। प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है या फिर यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो रहा है इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताऊँ। थोड़ा सा फ्रेश अप कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। जो सरप्राइज़ है आपके सामने मैं जल्दी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा हमारा सामान जो हम लोग लेके आए वो हमको उतारना है। सो फाइनली हम लोग जो मैंने सुबह बताया था वो जगह पर हम लोग पहुँचे हैं। जगह हमारा पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। सो फाइनली मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, वी आर स्टार्टेड आवर कमर्शियल प्रोजेक्ट। लैंड पे हम लोग भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल विद दी लोडेड विद दी प्रॉपर सिस्टमाइज एसओपी के साथ हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। जल्दी ही इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस लैंड के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हमारा जो एचआरएस सिस्टम है उसको हमने कैसे अपग्रेड किया है, क्या क्या सिस्टम्स डाले हैं, सारे यहाँ पे जो दिख रहे हैं सारे फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन कैसे वर्क होते हैं, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम दी जापान, ये सारे फिल्टर जापान से आए हुए हैं और ये कैसे वर्क होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में मैं डिटेल में ब्लॉग बनाने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊंगा। आज से हमारे लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो बने रहिए सह्याद्री परफॉर्मिंग के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स अ लॉट।